लुटेरे अक्सर लोगों को लूटने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया पंजाब के दसूहा से, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग को लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में लूटा। जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर पर बैठे दुकान मालिक से लुटेरे जो है 6000 रुपए लेकर फरार हो गए और इस घटना की सारी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले पर शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था और दो जो लोग हैं वो दवाई लेने के बहाने मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और कुछ मिनटों के बाद ही एक शॉल बेचने वाला भी जो है दुकान के अंदर घुस गया। उसकी तरफ से पहले दुकानदार से इनो मांगी गई और दुकान में मौजूद पहले से ही मौजूद जो लुटेरे थे वो शॉल के रेट को लेकर उस आदमी से मोल भाव करने लगे। दोनों लुटेरों के बीच जो है मोलभाव होने लगा और 8000 में शॉल खरीदने की बात हुई। वहीं पहले से मौजूद जो दो लुटेरे थे उन्होंने उस शॉल बेचने वाले को 2000 की रकम दे दी और बाकी के 6000 की रकम जो है उन्होंने पीड़ित संजीव कुमार को देने के लिए कही। उन्होंने कहा कि उनकी इज्जत का सवाल है, आप उनको 6000 रुपये दे दें, वे उसे ATM से निकाल कर दे देंगे। संजीव कुमार ने उन्हें 6000 रुपये दे दिए, लेकिन इतने में ही वो चारों लुटेरे अपने अपने मोटरसाइकिल पर बैठे और वहां से फरार हो गए। जब तक संजीव कुमार को कुछ समझ आता तब तक लुटेरे उसकी पहुंच से काफी दूर हो चुके थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सर की नाम तोड़ा? संजीव कुमार जी, की जरा मामला तोड़े नाल जरा ठगी दा होया है? दो आदमी भी पाए पहले मान के दवाई मांगी उन्होंने, मैं दवाई लग पा देना, एक होर आ गया लोइयां लेके, उस तो वो आपस में उन्होंने मेरे को इनो मंगी आन के मैं इनो देती, तो वो तो को लोइयां भेजता। टोटल किन्ने जने सी? टोटल 3 हो गए। फिर वो दो जने वो उन्हें लोइयां का लापे सौदा करना आपस में, तो कहते तेरे को पैसे नहीं है, 8000 रुपया तेरे को होना नहीं, 8000 दें चुक सारियाँ। तो वह मैनू कहता अंकल जी तुम दे दो पैसे, तो मैं मतलब कि तुम ATM चो लैके देना। मैं पैसे देते उन्होंने, तो वो पैसे लैके चले गए, वापस नहीं आए। कभी पहले उन्होंने देखा? हाँ जी, पहला पहला उन्होंने सक्ष देखा? नहीं, पहला कभी नहीं देखा। की मांग कर दो प्रशासन को? भाई लुट खो होनी चाहिए बंद, तो मैं तो हूँ मेरे ना तो ठगी होगी अगों के किसी नाल ना हो, इदा के कदम चुके जान भी मतलब, तो मैं तो हूँ मैं तो धोखे जा जिदा भी है होया अगे तो मतलब किसी नाल ना किसी ना नहीं होना होना चाहिए। जो नौसरबाज ने वक्रे वक्रे ढंग ने लोगों ठगी मारी करते हैं, तो लोग कई पुलिस को कंप्लेन करते भी है, कई नहीं करते कि शर्म के मारे, इसमें की संदेश पब्लिक में दूंगा? मैं सोशल मीडिया से आस पास लोगों को अलग अलग थाने तो सूँ पता लगता भी अलग अलग तरह के अलग तरीके नौसरबाज इलाके घूमते हैं, जो घर में कोई समान लैके कोई किसी तरीके कोई बीमारी का बहाना बना के ये लोगों के घर में जाते रहे ठगियां करते हैं। तो मैं साढ़े थाना दसूहा के एरिया के इलाके के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा भी इन चीज़ों तो अवेयर रहना तो सावधान रहना, जे भी कोई थानू इस नौसरबाज टक्करदा या तुम फड़ के बिठा लेना, तो सानू पुलिस में सूचना देनी है ता जो वो उपर असी कार्रवाई कर सकी, तो लोगों की जान माल की रक्षा कर सकी, सा दसूहा एरिए इलाका पूरा सुरक्षित रह सके।